गाइस, आप सभी लोगों को तो पता है कि इंडिया में हर वीक हर मंथ एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी वाले फोन मोबाइल कंपनियां अपने लेकर के आ रही हैं। दोस्तों, इस बार जो ये फोन लॉन्च होने जा रहा है ये काफी इंडिया में धमाल मचा देने वाला, ये वन प्लस का फोन है। और इससे पहले जो अभी लॉन्च हुआ है जल्द ही Xiaomi 11i हाइपर चार्जर, ये फोन इंडिया में फास्ट चार्जिंग के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसको इंडिया का नंबर वन फोन कहा जा रहा है। इससे पहले Vivo V23 Pro आया था दोस्तों, उस फोन में इसके बैक की कलर जो है वो ऑटोमेटिक चेंज होगा जब आप सनलाइट में ले जाएंगे, इसलिए वो इंडिया का नंबर वन माना जा रहा है। और ये वन प्लस 9RT देखते हैं ये इंडिया में कितना धमाल मचा पाता है, क्योंकि इसका प्रोसेसर जो आपको देखने को मिलेगा, इसकी स्पेसिफिकेशन जो आपको देखने को मिलेगी, इसकी रैम लेटेस्ट है आपको दोस्तों, इसकी प्राइस भी बहुत ही जबरदस्त प्राइस है और बहुत ही खास होने वाला है ये फोन। ये 14 जनवरी को लॉन्च होने जा रहा है। तो क्या है इसका स्पेसिफिकेशन, क्या इसकी प्राइस, मैं सारी इस वीडियो में आपको बताऊंगा, आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SLA Tech Point चैनल। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सबसे पहले हम बात कर रहे थे इसके डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले पे दोस्तों इसके कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 लगाया गया है जो कि डिस्प्ले की बिल्कुल जान बढ़ा देता है। अमोल LED डिस्प्ले मिलेगी आपको, 6.6 इंच की डिस्प्ले है जो कि बहुत ही जबरदस्त डिस्प्ले है दोस्तों। और डिस्प्ले के ऊपर ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाएगा और फ्रंट में आपको एक कैमरा मिल जाएगा 16 मेगापिक्सल का जो कि 4K वीडियो सपोर्ट करता है और LED फ्लैश के साथ होगा। वहीं पे बात करें इसके बैक कैमरे के बारे में तो 3 कैमरा आपको देखने को मिलेगा बैक साइड में, 50 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का। और ये तीनों कैमरे दोस्तों 4K वीडियो सपोर्ट करेंगे, डुअल LED फ्लैश के साथ है। अगर बात करें इसके फीचर के बारे में तो ऑटो फ्लैश, ऑटो फोकस और फेस डिटेक्शन भी करेंगे और टच टू फोकस भी काम करेगा ये। अगर बात कर लें इसके रिकॉर्डिंग मोड के बारे में तो 30 FPS भी सपोर्ट करेगा ये और कंटिन्यूअस ये जो है शूटिंग जो करेगा हाई डायनेमिक रेंज में कंटिन्यूअस शूटिंग करेगा दोस्तों। अगर बात कर लें इसके रैम के बारे में तो इसका रैम जो है काफी जानदार होने वाला है क्योंकि इसका रैम है DDR5। आज के जितने भी फोन आ रहे हैं वो DDR4 तक के आ रहे थे लेकिन इसमें LPDDR5 आपको रैम देखने को मिलेगी, 8GB रैम है, 128GB स्टोरेज के साथ ये फोन आ रहा है। वही बात करें इसके चिपसेट के बारे में तो Snapdragon 888 का आपको प्रोसेसर इसमें देखने को मिलेगा जो कि इस फोन का जान बढ़ा देता है गेम खेलने के लिए। वही जो इसके बैटरी बैकअप है बहुत कमाल की बैटरी बैकअप, 4500mAh की बैटरी मिल जाएगी, 65W के चार्जर के साथ मिलेगा, सी टाइप का चार्ज होगा जो कि बैटरी को 100% चार्ज कर देगा मात्र 19 मिनट में। तो इस दोस्तों इस स्पेसिफिकेशन के साथ जो इंडिया में लॉन्च हो रहा है ये फोन, इस फोन का प्राइस होगा 38,590 रुपए। 14 जनवरी को ये फोन लॉन्च हो रहा है। तो दोस्तों इस फोन के बारे में आपको जानकर ये कैसा लगा और वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स।